हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ सीबीएसई सैंपल पेपर क्लास टेंथ का सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, नाउ सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहला स्टेप तो यही रहेगा कि हमें इसके क्या निकालने हैं, जीरोज। तो जीरोज निकालने हैं। देखिए इक्वेशन ये है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैंने बहुत अच्छे से अपने लास्ट वीडियोस में डाला हुआ है। आप एक बार इस चैप्टर का देख लेना, चेक कर लेना बहुत अच्छे से। ये तो बहुत छोटे डिजिट्स हैं, मैंने ब्रिक डिजिट्स का भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। सो हम इसे जीरोज निकालें तो इसके इक्वल टू जीरो रखेंगे और चेक करेंगे ये पूरी पॉलीनोमियल एक्स की किस वैल्यू के लिए जीरो होती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करेंगे यहाँ, क्योंकि माइनस है और मैंने बताया था अपनी वीडियो में कि अगर यह माइनस होता है तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर मिले। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, माइनस टेन है, तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे टेन आए और ऐड या मतलब ऐड तो करना नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने पे थ्री है, तो वो नंबर होंगे इजीली पता है फाइव एंड टू। सो फाइव एंड टू है, ये फाइव एक्स, ये थ्री एक्स और ये माइनस टेन एज इट इज, यानी कि हमने इस 3x को लिख लिया 5 एंड 2, तो माइनस करने पे आ रहा था यानी कि दोनों के ऑपोजिट साइन आएंगे। अब किसका प्लस आएगा किसका माइनस, देखिए आंसर में माइनस 3 है। ठीक है, आंसर में माइनस 3 है, इसमें इट मीन्स बड़े वाले के आगे माइनस आना था, छोटे वाले के आगे प्लस। फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ गया, अंदर बचा x माइनस 5 प्लस, इन दोनों में से भी कॉमन लो और ध्यान ये रखना है कॉमन लेते टाइम कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट की सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हमने कुछ गड़बड़ी की है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 वन जा 2, एक्स बचा 2, 5 से 10 माइनस 5 बचा, ब्रैकेट सेम आ गया यानी कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इन दोनों ब्रैकेट की जगह एक ब्रैकेट लगाएंगे, x माइनस 5 आ गया और इन दोनों से मिलके नई ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अब इसको भी इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको भी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि दो प्रोडक्ट का, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब या तो एक 0 हो या दूसरा 0 हो। सो हमने एक बार इसको 0 रखा और एक बार इसको इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और यहाँ से x की वैल्यू होगी माइनस 2, यानी कि जीरोज जो है दो ये हो गए 5 एंड माइनस 2। अब अगला क्वेश्चन था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशियंट। तो देखो रिलेशनशिप है हमारा एक सम ऑफ जीरोज का होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का होता है C अपॉन ए। तो चेक कर लेते हैं अपना फर्स्ट रिलेशन सम ऑफ जीरोज, तो 5 एंड माइनस 2 को ऐड करोगे, 5 प्लस कर रहे हैं माइनस 2 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 2 इज 3, ये तो सम ऑफ जीरोज आ गया। अब माइनस बी अपॉन ए चेक करते हैं, ठीक है, तो माइनस तो एज इट इज आएगा माइनस साइन, अब b क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कि यहाँ पे b हमारा हो जाएगा माइनस 3, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है यानी कि 1, सी सी यानी कि दिस कॉन्स्टेंट टर्म, देखो साइन का जरूर ध्यान रखना है आपको नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सी इज माइनस 10। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी अपॉन ए, बी क्या है माइनस 3 अपॉन ए, ए क्या है 1, सो माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 1 इज ऑल्सो 3, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, इक्वल है, हम लिख देंगे लास्ट में सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंडली हमें करना है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि इन दोनों को गुणा करके देखना है, मल्टीप्लाई करके देखना है, तो 5 इंटू माइनस 2 दैट इज 5 टू जो 10, तो माइनस का 10 एंड सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या होगा, सी यानी कि ये कॉन्स्टेंट टर्म जो कि हम लिख चुके हैं पहले ही, माइनस 10 अपॉन ए, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो कि है 1, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 10 विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि हमारा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। गाइज जो बेसिक का पेपर है उसमें मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड ही हैं, तो टफ नहीं है, ध्यान से समझने की जरूरत है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। देखिए मैं आप कंपास वगैरह लेके तो नहीं बैठी हुई हूँ, बट मैं रफली आपको एक बार समझा दूंगी। सबसे पहले आपको करना क्या है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, मान लो ये है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कंपास रखना, मतलब 4 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद यहाँ कंपास रखना और यहाँ 4 सेंटीमीटर सपोज यहाँ मेजर होता है, इसको घुमा के एक सर्कल बना देना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, रफ स्केच है गाइस, जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, इसको हमने नाम दे दिया ओ।
अब आगे बोला है फ्रॉम द पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, तो ये ओ है ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर देखो ऑब्वियसली बात है यहाँ तक तो ये 4 होगा क्योंकि रेडियस सब जगह सेम होती है। टोटल ना स्केल लेके मेजर करना 3 कहीं यहाँ आएगा ठीक है। उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सपोज पी। अब आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट गिवन होगा कितनी दूर पर टेंजेंट चाहिए उन दोनों का एक मिड पॉइंट निकालना होता है। वो मिड पॉइंट कैसे आएगा, मोर देन हाफ जैसे किसी भी दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे रखो, पर कंपास को मान लो मैंने यहाँ रखा आधे से ज़्यादा खोला, एक क्रॉस ऊपर मानना है एक क्रॉस नीचे मानना है, तो मान लो वो यहाँ लगा और यहाँ लगा, फिर कंपास को एक बार यहाँ रखना है, फिर ज़्यादा खोलना आधे से ज़्यादा, कितना भी खोल सकते, ज़रूरी नहीं पहले वाले के बराबर हो। वैसे कोशिश यही करो क्योंकि उतना कंपास हमारा खुल चुका है वो यहाँ से भी खुल जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस यहाँ क्रॉस, फिर आप इन दोनों को कर देना ज्वाइन। एक मिनट थोड़ा तिरछा हो गया ये तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एम। मतलब करना क्या है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करो, फिर सर्कल के सेंटर से जो पॉइंट हमें गिवन होगा उतना ड्रॉ कर लो यूजिंग स्केल और एनीथिंग, फिर उन दोनों पॉइंट का सेंटर और जिस पॉइंट से हमें टेंजेंट बनाना है उन दोनों को डिवाइड कर दो इक्वली, यानी कि मिड पॉइंट निकालो कैसे, मोर देन हाफ यहाँ से खोलो कट कट, यहाँ से खोलो कट कट, दोनों मिलने चाहिए ज्वाइन कर दो। अब इस एम और इस ओ को रेडियस मानते हुए इस एम पॉइंट पे रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दो ठीक है। अभी हमने सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इस एम पर कंपासर का प्रकार रखी और ओ पॉइंट तक खोली, तो ये डिस्टेंस आप देखोगे 3.5 के लगभग होगा। मुझे नहीं पता ये कैसे आया मैंने, क्योंकि रफली ड्रॉ किया है तो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। तो जिस भी पॉइंट पे ये सर्कल कट करेगा, जिस भी पॉइंट पे ये सर्कल कट करेगा उस पॉइंट को इस पी पॉइंट से आप क्या कर दोगे ज्वाइन। तो ये होंगी हमारी टेंजेंट्स। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा रफली ही ट्राई किया है बट समझाने की पूरी तरह कोशिश की गई है। दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ, हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था, फिर हमने जो एम पॉइंट नया निकाला है इनका मिड पॉइंट उस पर कंपास रखो, ओ तक खोलो पहले वाले के सेंटर तक, फिर वहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल पहले वाले सर्कल को जहाँ जहाँ कट करेगा वहाँ पे हमारा टेंजेंट ड्रॉ होगा उस पी पॉइंट से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड्स इट इन द रेशियो 2:3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है, 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लो, मान लो ये ए है ये बी है, सपोज ये 8 सेंटीमीटर है आपकी लाइन, सपोज नहीं मतलब आपको तो एग्जैक्ट ही लेनी है, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद करना क्या, आपको नीचे एक लाइन खींचनी है एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल 90 से कम कितना भी हो सकता है, मान लीजिए मैंने अंदाजे से ये लाइन खींच दी, कितना भी एंगल ये हो सकता है, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने एक्स ठीक है। आपको करना क्या है, या तो डी की हेल्प से कोई भी 90 से कम एंगल बनाओ और लाइन खींच दो ठीक है। अब इसके बाद करना क्या, आपको ध्यान रखना जो भी रेशियो गिवन होता है इनको ऐड करो, 2+3 5, यानी कि टोटल आपको 5 इसमें लाइन पॉइंट बनाने हैं। कैसे, ए पॉइंट पे रखो कुछ कुछ प्रकार इतनी खोलो, इस पॉइंट पे रखो यहाँ कट मारो यहाँ ऐसे, मान लीजिए वो कट यहाँ लगा, फिर उतनी ही प्रकार खुली रहने दो, इस पॉइंट पे रखो कंपास को फिर आगे कट मारो फिर यहाँ लगा, फिर इस तरह से यहाँ कंपास रखो आगे कट मारो यहाँ लगा, फिर यहाँ रखो फिर यहाँ मारो, ये 4 हो गए, फिर यहाँ रखो यहाँ मारो, तो ये हमारे 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए। इनको नाम दे दो A1 A2 A3 A4 A5 ठीक है। अब पॉइंट उतने ही खींचना जितना हमारा समय, अब करना क्या है जो हमारा लास्ट पॉइंट है उसको बी से ज्वाइन कर देंगे यूजिंग स्केल। अब इसको कर दिया हमने ज्वाइन, एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए ठीक है, ये हो गया। अब जो पहला रेशियो होता है उतने नंबर से लाइन खींचनी है इस ए बी लाइन पे, यानी कि पहला नंबर है इस बार 2, तो 2 से खींच रहे, और खींचनी कैसी है, बिल्कुल इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन हमारी ये गई ऐसे, तो ये लाइन मान लो हो गया हमारा सी पॉइंट। तो जो ए सी और सी बी रेशियो है वो हो जाएगा 2:3 का। अगर ये 2:3 का क्वेश्चन ना होगा, 3:2 होता तो पहला ये वाला पॉइंट तो यही रहता, उस बार हम क्या कर देते, ए 3 से यहाँ तक पहला लाइन खींचते इसके ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन पार्क ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर इन शेप, इट हैज़ अ 7 मीटर वाइड ट्रैक, यानी कि जो ये लेंथ है ये हमारी है 7 मीटर फॉर वॉकिंग, टू फ्रेंड्स सीमा एंड मीना
want to go to the park. Meena said that area of the park is 4066 meter square. Is she right? तो मैं चेक करना है. इट मीन्स हमें एक तरह से इसने यही बोल दिया कि इसका एरिया फाइंड आउट करो. अब देखो ध्यान से देखना, मैं एरिया निकालना किसका है. अगर मैं इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दूं तो हमें बेसिकली एरिया निकालना है इस शेप का एंड ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल का. ये दोनों रेक्टेंगल बन रहे हैं. तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ टू रेक्टेंगल्स. ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें लेंथ 120 गिवन थी और ये लेंथ हमें 7 मीटर गिवन है ऑलरेडी. यानी कि लेंथ इनटू ब्रेथ इसमें लगाओगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला, 120 ये लेंथ, जब नीचे इतनी है तो ऊपर भी यही रहेगी और ये गिवन है हमें ऑलरेडी 7, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 7. अब ये केवल एक का है, यही सेम दूसरे का भी मेजरमेंट है क्योंकि ट्रैक की चौड़ाई तो उतनी है 7 मीटर 7 मीटर. तो ये हो गया इसका, तो ये भी सेम रहेगा, यानी कि इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई. तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब करना क्या है, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स हमें निकालना है. पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. ये मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, 1680 आएगा ये मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स निकालना है. तो ध्यान देना, ये इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ. ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये है एक सेमी सर्कल, एक ये है सेमी सर्कल. ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये बड़ा वाला सेमी सर्कल है ये, माइनस दिस छोटा वाला सेमी सर्कल. क्योंकि अगर इस बड़े में से, बड़े का मतलब है ये पूरा रीजन कवर होना, इसमें से मैं छोटा रीजन हटा दूँ तो ये बचेगा सिर्फ ये वाला ना. ठीक है, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान देना, ये एक सेमी सर्कल और इधर भी एक सेमी सर्कल बन रहा है बिल्कुल सेम साइज का, मतलब दिख नहीं रहा है सर्कल जैसा, पर ये सर्कल ही तो बनेगा. यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि बड़े वाले सर्कल में से छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, कह सकते हो ना. तो यानी कि एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल हो जाएगा पाई बड़ी वाली का रेडियस माइनस पाई छोटी वाली का रेडियस. या फिर आप इसको वही लिख सकते हो क्योंकि सेमी सर्कल है, तो हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. यही तो होता है फॉर्मूला, तो सेमी सर्कल का एक का ये है, दोनों का करने के लिए इसको कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया. ठीक है, अब बड़ा वाला रेडियस आएगा कैसे, ध्यान देना, ये पूरा 70 है, ये पूरा 70 है. 70 है मतलब देखो इस तरह से शेप है और ये 70 यानी कि ये डायमीटर है, ये डायमीटर है और हमें मतलब होता है सिर्फ रेडियस से. जब डी हमें बड़ा वाला डी 70 गिवन है तो रेडियस क्या आ जाएगा बड़ा वाला 70/2 यानी कि 35. ठीक है, सिमिलरली छोटे वाले का क्या आएगा, देखो ये लेंथ है. अब ध्यान देना, ये डिस्टेंस 7, ये डिस्टेंस 7 गिवन था, ध्यान है ना, बोला हुआ है ये ट्रैक जो है ये 7 है ये 7 है. तो जब ये भी 7 ये भी 7, तो यानी कि पूरे 70 में से, छोटे डी की बात कर रही हूँ मैं, ये मैं 7 7 यानी कि 14 माइनस कर रही हूँ तो कितना बचा 56. 14 × 7 इधर 7 इधर 14 माइनस करूँगी इस पूरी लाइन में से, तो जो छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस है वो क्या आ जाएगी 56/2 यानी कि 28. ये आपको दोनों r और स्मॉल r मिल गए हैं, नया पुट कर लो, यहाँ से पाई कॉमन ले लो, कैपिटल r स्क्वायर यानी कि 35 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर. ठीक है, अब ये है 22/7 × आप चाहो तो इसका स्क्वायर लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक तरीका और है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है. अब a माइनस बी प्लस बी होता है तो 35 − 28 सिर्फ में करके भी देख सकते हो, 35 + 28 35 − 28 7 हो गया, इंटू 35 + 28 क्या होगा, 8 × 5 13 का 3 हासिल गया 1 3 2 5 और 1 6 63 यानी कि हो जाएगा 7 × 63. देखो आप वैसे भी कर सकते थे, इसका स्क्वायर लेते बड़ा माइनस इसका स्क्वायर लेते माइनस करते, एक ही बात होती, लेकिन यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो गई ईजी. अब करोगे क्या, इन 22 और 63 को करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1386 मीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ टोटल ट्रैक क्या होगा, दिस रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल, यानी कि फाइनल आंसर हमारा होगा 1680 + 1386. तो क्या आएगा 1386 यानी कि 6 8 8 16 का 6 हंस गए 1 6 7 8 10 की 0 हंस गए 1 3 0 6 6 मीटर स्क्वायर, जबकि मीना ने बोला था 406 यानी कि वो रॉन्ग है, शी इज़ नॉट राइट. समझ में आ गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ.
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट ट्रिग्नोमेट्री का है, इजी सा क्वेश्चन है. कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन. देखो सबसे पहले कॉट को लिख लेना, कॉट की वैल्यू होती है कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस ये वाला कॉस ए एज इट इज अपॉन. सिमिलरली इसे भी लिख लेंगे हम कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए. फिर क्या करना, कॉस दोनों में आ रहा है तो कॉस ले लेंगे हम कॉमन, तो इधर बचेगा वन अपॉन साइन ए माइनस वन क्योंकि कॉस ए पूरे चला गया है. सिमिलरली यहाँ भी बचेगा वन अपॉन साइन ए प्लस वन, कॉस ए कैंसिल हो जाएगा. नाउ वन अपॉन साइन ए की वैल्यू क्या होती है कॉसेक ए माइनस वन, सिमिलरली वन अपॉन साइन ए इसकी क्या होती है कॉसेक ए, तो प्लस वन. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला पार्ट है इसका, बिल्कुल सेम ऐसे ही है. उसमें टेन ए को रिप्लेस करोगे आप साइन ए अपॉन कॉस ए से और प्लस में साइन ए अपॉन इस वाले टेन ए को भी करोगे साइन ए बाय कॉस ए से माइनस साइन ए, फिर साइन ए कॉमन इस बार दोनों साइड से तो यहाँ बचेगा वन बाय कॉस ए प्लस वन, इधर बचेगा अगेन साइन ए कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा है इसके अलावा, सो वन बाय कॉस ए माइनस वन, इससे ये कैंसिल. नाउ वन बाय कॉस ए की वैल्यू क्या होती है सेक ए प्लस वन एज इट इज और इसकी भी सेक ए माइनस वन, और यही हमें शो करना था. तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो गाइज ये थी आज सेक्शन सी की वीडियो. अब बाकी के बच्चों के सेक्शन सी के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा. प्लीज़ आप मेरी वीडियो को इसलिए लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. मैं जिससे सीबीएसई सैंपल पेपर बेसिक और स्टैंडर्ड करवाने के बाद एमसीक्यूज डालूंगी चैप्टर वाइज, क्योंकि 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हाथ से जाने नहीं चाहिए. इसमें से 10 टू 12 एमसीक्यू आएंगे, वन वर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, तो वो मैं वैरायटी डालने की कोशिश करूंगी क्योंकि बच्चों के मार्क्स उन्हीं में कट रहे हैं ज़्यादातर. ठीक है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आप अपडेट मिलता रहे आपको. थैंक यू सो मच गाइज़.